कि काफी अच्छा लग रहा है, मेरा भी आज फर्स्ट डे है। खाली ये लोग चाहते हैं कि पैसे वाला आदमी, जिसके पास पैसा हो, इस पार्क में घुस जाए। गरीब आदमी की इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर कोई से नहीं है। और हर तरीके के लोग अगर अंदर एंट्री नहीं होंगे तो और अच्छा रहेगा, गंदगी नहीं फैलेगी। ये सरकार द्वारा बहुत ही उठाया गया गलत कदम है, इससे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। अभी सर ने बोला कि आपके पूरे 20 रुपए लगे, और बाकी जगह हम भी जहाँ भी जाते हैं ना, तो स्टूडेंट के लिए 50% होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम जयपुर में जो मानसरोवर में सिटी पार्क है वहां पर मौजूद है, वहां पर आए हुए हैं। यहां पर आने की वजह एक बड़ी है, क्योंकि यहां पर आज से टिकट लगना शुरू हो गया है। आमजन जो यहां पर आएगा वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, उसके लिए उसको अपना पास बनाना पड़ेगा या टिकट लेना पड़ेगा। और हाउसिंग बोर्ड का कहना है, जो कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये पार्क बनाया गया था, हाउसिंग बोर्ड के अंदर ये पार्क आता है, हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि रोज़ाना यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना आते हैं। तो इसको देखते हुए, यहाँ की साफ़ सफाई को देखते हुए, यहाँ के लिए ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर अब टिकट लगेगा। आज से यानी कि 9 मार्च से ये टिकट लगना शुरू हो चुका है। आज हम यहाँ पर आकर अधिकारियों से बात करेंगे, जो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पहला दिन है तो मौजूद ही रहेंगे, और यहाँ पर आम जन से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, आसपास के लोग सुबह आते हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ्री है, कोई टिकट नहीं लगेगा, लेकिन 9 बजे बाद यहाँ पर जो आएगा उसको अपने लिए टिकट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क भी लगेगा, और काफ़ी ऐसे शुल्क लगेंगे। अगर आप प्री वेडिंग शूट करवाते हो उसके लिए भी शुल्क लगेगा, टिकट लगेगा। अगर आप कोई सीरियल या कोई मूवी के लिए यहाँ पर शूटिंग करते हो उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो जो पहला टिकट ले चुकी है मैम, पहला टिकट इन्होंने लिया है, तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आज से ही 9 मार्च से ही टिकट लिया, मतलब चालू किया है इन्होंने हाउसिंग बोर्ड ने, तो क्या कैसा रहा आपका टिकट? मेरे को तो पता भी नहीं कि मैं फर्स्ट हूँ, मुझे आप लोगों ने बताई ये चीज़, और बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा भी आज फर्स्ट डे है, तो देखते हैं आज कैसा है अंदर। बाकी मेरे फ्रेंड्स पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि अच्छा है ये, जब बन रहा था ये तब। कहाँ से आए हो आप? मैं झोटवाड़ा। झोटवाड़ा से तो अकेले आए हो या दोस्तों के साथ? हाँ फिलहाल तो अकेले ही हूँ। फिलहाल अकेले तो ये आई है, इनको फ्रेंड्स ने बताया था कि काफ़ी अच्छा पार्क है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आई और उन्होंने टिकट लिया। इनको पता भी नहीं था कि मैं पहली हूँ जो टिकट ले रही हूँ। तो हमारे साथ एक व्यक्ति है, इनका क्या मानना है, इनका रिएक्शन जानते हैं कि आज से जो टिकट चालू किया गया है 20 रुपये का टिकट लेने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी इसके अंदर, तो आपको क्या मानना है, कैसा स्टेप है ये? मैं डॉक्टर तन्मय हूँ, और ये जो सरकार का स्टेप है ये बहुत ही तुगलकी कानून है। आम जनता जो बेचारी पार्क में बैठ सकती थी उसको पार्क में बैठने नहीं दे रहे। खाली ये लोग चाहते हैं कि पैसे वाला आदमी, जिसके पास पैसा हो, वो इस पार्क में घुस जाए। गरीब आदमी की इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर कोई से नहीं है। और ये जो मुख्यमंत्री महोदय को सलाह देने वाले सरकारी अधिकारी हैं, वो ये भूल रहे हैं कि 4 दिन बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे, उनको भी अंदर घुसने का पैसा देना पड़ेगा। कोई विधायक है, उसको अंदर जाने के लिए कोई रोक नहीं है। ये सरकार हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, और बेचारे अगर पार्क में बैठ के धूप खाना चाह रहे हैं तो वो धूप भी नहीं खाने दे रही। विश्व के किसी भी सभ्य देश के अंदर पार्कों में अंदर घुसने पे कोई भी फीस नहीं है, मगर सेंट्रल पार्क के अंदर ये लोग आराम से घूमने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे घूमने वाला विधायक है, वहाँ पे घूमने वाला IAS है, यहाँ पे आम आदमी घूम रहा है, ये साधारण लोगों की कॉलोनी है, इसलिए आप लोगों पे शुल्क लगाया जा रहा है। ये तुगलकी कानून का मैं और मेरी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे धरने देंगे, हम यहाँ पे अनशन देंगे। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले 15 दिनों के अंदर हर हालत में ये जो तुगलकी कानून के तहत इन्होंने टिकट लगाए यहाँ पे, इस टिकट को हर हालत में हम हटाएंगे। अच्छा, इनका कहना है कि आने वाले 15 दिनों में यहाँ पे धरना करेंगे, और यहाँ पर 15 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर ये जो निर्णय लिया गया है टिकट का, ये वापस लेना पड़ेगा सरकार को। लेकिन हाउसिंग बोर्ड का ऐसा कहना है कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर रोज़ाना आते हैं, तो यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर और सुरक्षा को लेकर ऐसा स्टेप लिया गया है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये कोई म्यूज़ियम नहीं, ये कोई जगह म्यूज़ियम नहीं है जिसपे टिकट लगाई जाए। और ये जो ज़मीन है,
ये जो जमीन है ये सरकार की जमीन नहीं है, ये हम सब इस जमीन के मालिक है। जो आप लोगों ने टैक्स दिया है ना, ये देखिए सरकार कैसे हमारे को हमारी बात को भी रोकना चाहती है, ये इनकी माइंडसेट है। ये जो जमीन है इसका हमने, ये हमारी जमीन है, इनकी खुद की जमीन नहीं है। और ये आपने जो शर्ट पहनी इसका आपने टैक्स दिया, इस कारण से 110 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठे हुए। ये हमारे पैसे आए जिसके कारण इन्होंने गार्ड रख रखे हैं, ये किसी के घर से पैसा नहीं लेकर आए। जो चीज़ हमारी है हम उसके मालिक है, तो हमको कोई रोक ही कैसे सकता है वहाँ पे जाने के लिए। ये देखिए बड़ी बड़ी मूछों वाले गार्ड हमको डराने आए, हमको धमकाने आए, ये हमको मारना चाहेंगे कि अंदर नहीं घूमे, क्योंकि ये सामंती मानसिकता के लोग हैं जो सत्ता में आ चुके हैं और ये गरीब को कुचलना और दबाना चाहते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि इन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे, इन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे इसका, कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या मानना है। हमारे साथ एक मैम है जो यहाँ पर रोज़ाना आती है, तो इनसे पूछेंगे कि आज से जो टिकट लेने की जो चालू किया गया है, टिकट चालू किया गया है 20 रुपये में आपको एंट्री मिलेगी 9 बजे बाद, तो इस पर इनका क्या मानना है? तो क्या मानना है मैम आपका जो आज से चालू किया गया है टिकट? बढ़िया है, अच्छा प्रयास है, इतना बढ़िया गार्डन बनाया है, पार्क बनाया है, तो इसके मेंटेनेंस के लिए बढ़िया है। और फिर वही वाली बात है ना कि अच्छा है, टिकट लेके हर एक बंदा अंदर नहीं आ पाएगा, तो उससे मेंटेनेंस सही रहेगी, अच्छा प्रयास है मेरे हिसाब से तो। और वॉक करने के लिए जो आ रहे हैं सही उसके लक्ष्य के लिए, तो वो तो 6 to 9 आपके यहाँ पे है ही कि आ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। और टैक्स के साथ साथ अगर इसमें भी टिकट के भी पैसे अगर अच्छी चीज़ में जाएं हमारे, वैसे तो टैक्स के पैसे भी हमारे लग रहे हैं आम जनता के, बट विथ टैक्स ये पैसे भी हम चाहे मंथली वो बनवा लें चाहे ईयरली बना लें, तो मेरे को ऐसा मेरा ये मानना है कि इसके लिए हम पैसे दें तो वो ज़्यादा सही है। और हर तरीके के लोग अगर अंदर एंट्री नहीं होंगे तो और अच्छा रहेगा, गंदगी नहीं फैलेगी। और पार्क तो नो डाउट बहुत अच्छा है, मैं पहले जवाहर सर्किल जाती थी डेली, बट अब ये पार्क बहुत ही हैप्पीनेस देता है। तो हमारे साथ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो ये निर्णय लिया है हाउसिंग बोर्ड ने, जो कमिश्नर है पवन अरोड़ा, पवन अरोड़ा है, उनके द्वारा डिसीजन लिया गया था कि अब से 9 मार्च से ऐसा टिकट का करना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग डेली यहाँ पे आते हैं, तो किन कारणों वजह से ये निर्णय लिया गया? नहीं देखो, पहले हमने फ्री किया था जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया था 21 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद में हमने फ्री रखा था इसको। लेकिन अब चूंकि क्या है कि भीड़ काफ़ी है, 20 से 25 हज़ार तकरीबन डेली आते हैं, तो पार्क को मेंटेन करने के लिए कुछ मिनिमम चार्ज लगाना आवश्यक था, तो हमने मात्र 20 रुपये चार्ज रखा है, जबकि दूसरे पार्क विद्याधर बाग है वहाँ 50 रुपये भी है, कहीं 20 रुपये भी है, तो मिनिमम चार्ज हमने 20 रुपये मेंटेन करने के लिए रखा है। तो आप बता सकते हैं कि पार्किंग के चार्जेस कितने हैं कब से? क्या है कि प्रवेश शुल्क तो 20 रुपये है पर पर्सन, और जो पार्किंग के हैं 4-व्हीलर के 50 रुपये हैं और 2-व्हीलर के 20 रुपये हैं। पार्किंग चार्जेस 3 घंटे के लिए हैं, बाकी प्रवेश शुल्क फ्री है फुल टाइम के लिए, उसमें कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। ये हमारे साथ अधिकारी थे, इन्होंने कहा कि करना ज़रूरी था क्योंकि लोग काफ़ी आ रहे थे, रोज़ाना काफ़ी आ रहे थे, तो इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अब इस पर हम जनता की राय जानेंगे, अंदर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे जो घूम रहे हैं, वॉक करते हैं, जो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं हेल्थ को लेकर, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इस पर इनका क्या मानना है? मेरा मानना है कि हाउसिंग बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, जिससे कि रखरखाव पार्क की जो अपनी सुंदरता है वो बनी रहेगी, जो फालतू लोग इसमें आके टाइम पास करने के लिए आते हैं वो नहीं आ पाएंगे, जिनको पर्टिकुलर वॉक के लिए आना है वो अपना मॉर्निंग में आएंगे, पर्टिकुलर कोई पर्पज से आ रहे हैं तो वो भी अपना आ पाएंगे जिनको आना ही होगा, फालतू में इधर उधर गंदगी फैलाने के लिए वैसे लोग नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो लिया है डिसीजन वो सही है, टिकट इतना होना चाहिए, नॉमिनल चार्ज है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। पर यहाँ पर इतनी मतलब आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। वो तो एक थोड़ा टाइम ऐसा है कि दोपहर के टाइम में लोग वैसे भी कम आते जनरली, तो और इवनिंग टाइम में आप देखना भीड़ मिलेगी, जिनको आना होगा वही लोग आएंगे, फालतू गैदरिंग के लिए नहीं आएंगे। टिकट से कुछ फर्क पड़ेगा? टिकट लगने से हाँ फर्क पड़ेगा, जो लोग टाइम पास के लिए आते हैं अपना टाइम वेस्ट यूँ ही आ गए उठ के वो नहीं आएंगे, और जिनको आना होगा वो आएंगे, वो टिकट लेके भी आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक रनिंग करते हुए मिले हैं और इनसे पूछते हैं कि आज से जो टिकट लग रहा है उस पर क्या मानना है आपका?
देखो इसकी आशंका नहीं थी किसी को, लाइक जैसे जिस तरह से ये स्टार्ट हुआ था, जिस तरह से इसकी उद्घाटन इसका प्रचार किया गया राजनीति रूप से लोगों को बहकावे में लेने के लिए, उसके बाद ऐसे टिकट लगाना मैं मानता हूँ कि एक अमानवीय कृत्य है। और ऐसी जगह जो प्राकृतिक रूप से सुंदर है, हाँ हो सकता है कुछ खर्चा आता होगा मेंटेनेंस में, वो नगर निगम हैंडल कर सकता है अगर चाहे तो, पर अब जैसे मैं रोज़ रनिंग करने आता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया तो उन्होंने बोला कि 9 बजे के बाद टिकट है, अगर आपको रनिंग करनी है तो 9 बजे तक आ जाओ। खैर वो भी ठीक बात है, पर ऐसे क्योंकि ये जो आम लोगों के घूमने के लिए, क्योंकि अपनी राजधानी में ऐसा कोई स्थान है नहीं जहाँ अपन आराम से घूम सके, बैठ सके, योगा कर सके, तो इसका भी व्यापारीकरण करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो इनको ये पर्ची मिली है, पर्ची दिखा दो कि इस भाई का सीरियल नंबर 1 है, तो आपने टिकट लिया है जी, इससे पहले भी आते हो यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, पहले भी आ चुके हैं बहुत, 10 बार 10 5 7 बार। तो यहाँ पे रोज, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं है यहाँ पे, और आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी भीड़ होती है सुबह सुबह, तो आज जो टिकट की वजह से तो नहीं है यहाँ पे कम भीड़? बिल्कुल टिकट की वजह से ही है, क्योंकि टिकट की अगर प्राइस देखी जाए ना तो 20 रुपये कुछ ज़्यादा ही है, मेरे हिसाब से 10 रुपये होनी चाहिए इसकी जो होनी चाहिए मैक्सिमम, बट आज देख रहे हो आप इतनी कम भीड़ है यहाँ पे, कोई लोग 1% ही लोग यहाँ पे है, ज़्यादा लोग है नहीं यहाँ पे, जितने आते उससे 1% लोग ही आए बस, नहीं तो यहाँ पे शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। स्टूडेंट के लिए भी सर, स्टूडेंट के लिए भी छूट होनी चाहिए, ये 20 रुपये है तो इसकी जगह स्टूडेंट के लिए 10 रुपये लेने चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने आता है तो घूमने की सोचता है, तो उसके लिए ये वह नहीं कर सकता है ये 20 रुपये, स्टूडेंट के लिए छूट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं चल रही। स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड मैंने दिखाया था सर, तो सर ने बोला कि आपके पूरे 20 रुपये लगेंगे, और बाकी जगह हम भी जहाँ भी जाते हैं ना तो स्टूडेंट के लिए 50% होता है ये, वहाँ पर स्टूडेंट आईडी अगर आप साथ रखते हो तो आपको छूट मिल जाती है। राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही कर रखा है कि स्टूडेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वो युवा पीढ़ी है, राजस्थान का भविष्य है, इसके लिए यहाँ भी छूट मिलनी चाहिए, सिटी पार्क में भी छूट। और सर मेरा तो ये मानना है कि पैसे लगने चाहिए, पैसे लगने जरूरी भी है, इससे क्या कि अव्यवस्था ही नहीं फैलती है, अगर पैसे नहीं दे के आएंगे तो ऐसे आ जाएंगे और वहाँ यहाँ अव्यवस्था ही फैलाएंगे, जिससे पार्क में कुछ नुकसान भी हो सकता है, अगर पैसे दे के आएंगे तो अव्यवस्था ही नहीं फैलाएंगे, ये कहना। और पार्क बहुत अच्छा है, हम फर्स्ट बार आए, हमारा कोड है 101 जी सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनका कहना है कि ये पहली बार आए, आप आते रहते हो और आप भी पहली बार आए हो, फर्स्ट बार आए, पहली बार आए हो। जैसे भैया ने कहा कि यहाँ पे अव्यवस्था वैसे फैलाए रखते हैं, ये सही बात है, जैसे लोगों ने वहाँ पे पीछे की तरफ जो मूर्तियाँ बनी हुई थी उन्होंने उनके हाथ या फिर कुछ तोड़ दिए, या फिर जैसे छतरी रखी हुई थी वहाँ पे अच्छा। तो उसको तोड़ दिया लोगों ने, तो इसलिए टिकट भी सही है अगर एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन इसका प्राइस जहाँ से होना चाहिए कम होना चाहिए थोड़ा, तो आपके ख्याल से थोड़ा पैसे कम लगने चाहिए? बिल्कुल, 10 रुपये का टिकट होना चाहिए, 10 रुपये होने चाहिए मैक्सिमम। सर हमारा पार्क है तो इसमें स्वस्थता बनाना हमारा अधिकार है, यदि हम स्वस्थ रखेंगे तो स्वस्थ रहेगा ये, कि राजस्थान सरकार भी ऐसा काम करे। हाँ शौच करना है हमको, क्योंकि हर व्यक्ति शौच करेगा तो पूरा भारत शौच हो जाएगा। तो ये युवा थे हमारे साथ, इनका कहना था कि पैसे कम लगने चाहिए, और एक युवा ने कहा कि हाँ ये होना भी चाहिए, पैसे लगने चाहिए ताकि व्यवस्था बनाए रहे, व्यवस्था बनी रहे। और यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है, उनके हाथ तोड़ दिए गए थे, हाथ निकाल दिए गए थे मूर्तियों के। ये टिकट वाला मामला तो बेकार ही है, देखा जाए तो टिकट चलो रखना चाहिए, एक पार्क है, सिटी पार्क है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, साफ सफाई भी रहनी चाहिए यहाँ पे, तो उस हिसाब से। लेकिन इन्होंने 20 रुपये रखा है, टू व्हीलर की पार्किंग का पैसा रखा है इन्होंने 30 रुपये, तो 40-50 रुपये अगर अगर सिंगल आदमी यहाँ पे आके खर्च करता है तो फिर मतलब क्या है? वो बढ़िया चाहे तो बढ़िया से बढ़िया होटल में जा सकता है, पार्क में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में आने का उसका क्या मतलब है फिर? तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर चलो मान लो कि कम रखें, पेमेंट रखना भी चाहिए, शुल्क लेना भी चाहिए यहाँ पे, तो 10 रुपये आने का पर्सन का रखना चाहिए, जिसके अंदर पार्किंग भी मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, 50-40 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप क्या मानना है कि आज से टिकट लगना शुरू हुआ है और सरकार कह रही है कि ये साफ़ सफाई के लिए और यहाँ पर व्यवस्था को अच्छी बनाए रखने के लिए कदम लिया गया, तो क्या मानना है आपका? जी इसमें साफ तौर से ये देखा जाएगा कि जो से भी ये टिकट लिए जा रहे हैं तो साफ तौर पे सरकार की यहाँ इनकम के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे पहले जब शुरुआत में इसको बनाया गया था तो ये फ्री था कुछ टाइम के लिए, फिर उनको ऐसा लगा कि इसमें ज़्यादातर टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो इनसे ज़्यादातर इनको आमदनी होगी, सरकार को भी फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही जो लोग हैं वो बाकी घूमने वाले हैं, टूरिस्ट हैं,
उनका भी इसमें मनोरंजन के लिए और साफ की दृष्टि से भी इसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छा किया है सरकार ने ये काम और करना भी चाहिए जी। और मैं सुभाष चंद्र सोमरा भारतीय किसान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सिटी पार्क में रोजाना लगभग रोजाना घूमने के लिए आता हूँ जब जयपुर रहता हूँ। ये सरकार द्वारा बहुत ही उठाया गया गलत कदम है। चुनाव के टाइम पे 20 रुपये जो चार्ज अभी चालू करा गया है ये मेरी नज़र में बहुत ही गलत कदम उठाया गया है। इससे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा अभी जो कांग्रेस सरकार है उसको। और मैं ये कहता हूँ तुरंत प्रभाव से अपना जो ये कदम वापस ले सरकार। तो ये सरकार का बस ये कहना है कि ये साफ़ सफाई रखने के लिए और व्यवस्था को अपने हाथों में रखने के लिए अच्छे से रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। देखिए सरकार के पास ना पैसे की कमी है ना पानी की किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ये जनता को मूर्ख बनाने का काम है, जनता के लिए बनाया गया था। ठीक है, इस वक्त अगर ऐसा कदम ही उठाएं तो ये सरकार के लिए बड़ा घातक साबित होगा। तो अभी चुनाव भी आने वाले साल के अंत में चुनाव है विधानसभा, तो इसमें फर्क पड़ेगा यहाँ चुनाव के लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वक्त अगर ये कदम उठाया गया है तो बहुत ही गलत, पता नहीं कौन इनके सलाहकार हैं जो भी हैं, ये तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए इनको। तो हम यहाँ सिटी पार्क में आए थे, लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की कि उनका क्या मानना है। आमजन जो यहाँ पर रोज़ाना आते हैं वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी हमने आपको दिखाई। यहाँ पर जो टिकट खिड़की है, टिकट विंडो है, यहाँ पर लोग आकर टिकट विंडो लेंगे और यहाँ पर एक बड़ा लगा हुआ है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि किस तरह से पैसे लगेंगे। पार्क में प्रवेश हेतु शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपये, हर व्यक्ति को 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर अपनी टू व्हीलर को यहाँ पे पार्किंग करनी है 3 घंटे के लिए तो उसके लिए 20 रुपये लगेंगे और फोर व्हीलर के लिए 50 रुपये। यहाँ पे बता दें कि काफ़ी प्री वेडिंग सूट भी होता है और यहाँ पे उसके लिए पैसे लगेंगे 10,000 रुपये। अगर प्री वेडिंग सूट होता है तो उसके लिए 1,000 रुपये देने पड़ेंगे कपल को यहाँ पर अपने शादी के लिए प्री वेडिंग करवाने के लिए। और यहाँ पर फिल्म सीरियल्स के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे कोई फिल्म या सीरियल्स की शूटिंग होती है तो उसके लिए 50,000 रुपये लगेंगे। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों की राय थी, क्या प्रतिक्रिया थी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष।